अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। एक नजर हेडलाइंस पर। मेरे भाई ने मुझे फोन किया है, मुझे बोला आओ मैं अंदर हूँ, मुझे लेके जाओ, चार दिन से अंदर है वो, चार दिन से खाना नहीं खाया मेरी माँ ने, जाके देखो। जिसके जाते ना उनको पता चलता है क्या होता है दर्द। जिनके प्यारे ना मिले वो अब भी बेकरार, फैक्ट्री में जबरदस्ती घुसने वाले लवाहिकीन को राख के ढेर से कुछ ना मिला, पुलिस का लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार। फैक्ट्री में अब भी कई जगह आग सुलग रही है, सरथाने में पड़ी 82 लाशें शनाख्त की मुंतजर। 25 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमाद अली के लवाहिकीन के दुख और कर्ब की तस्वीर। सानहा बल्दिया में जहां बेबसी जल रही थी वहीं बेहिसी भी पल रही थी, लवाहिकीन की जेबें काटने वाले की पिटाई पुलिस के हवाले। थर्मल पावर हाउस जामचोरों में फनी खराबी के बायस दो यूनिट ट्रिप कर गए, कराची समेत सिंध के कई अजला की बिजली मुतासर। बलोचिस्तान के सैलाबजदा इलाकों से मजीद दो लाशें मिल गईं, मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद। जनूबी पंजाब और सिंध में सैकड़ों अफराद बेयारों मददगार। कराची में हलाकतों का सिलसिला ना रुका, फायरिंग के वाकयात में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। नवाज लीग का अहम इजलास आज रायवंड में तलब, निगरान वजीर आजम के नाम और नए सूबे के लिए कायम कमीशन पर गौर होगा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल ने एफआईए के सबूत नाकाफी करार दे दिए। मुतनाज़े फिल्म के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज, कई ममालिक में सिफारतखानों के बाहर हंगामा आ रहा है। और साबिक वेस्ट इंडियन बल्लेबाज ब्रायन लारा और इंग्लैंड की खातून क्रिकेटर एंड ब्लैकवेल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हैं।